Hey guys, welcome back to the brand new video on the channel. This is Rahul Sharma and you're watching Gaming Girls YouTube channel. And guys, in this particular video, we are going to talk about the top fraggers of PEL 2021 season 1. So, jitne bhi weekly top fraggers honge na, unke baare mein baat karne wala hun, har ek week ka dikhane wala hun. So guys, with some of the clips jo rehti hain yahan pe clutches and all. So, start karte hain sabse pehle week se. Sabse pehle week mein TJB ka performance kaafi achha tha. TEC team aapko pata hai bahut badhiya kheli thi. So, sabse pehle top fragger aate hain TJV only S. इनके पास 32 kills रहते हैं. After that क्यों इनके Sunflower, TEC के members होते हैं, DKG के 86 भी यहाँ पे हैं, Showtime के players हैं, TMG के Ajay वगैरह, TC के Allen and और भी Pi के players हैं guys. But ना इस list में सबसे top पे या 20 top 20 पे आपको एक player नहीं दिखने वाले हैं जिनका नाम है Paraboy. So सवान भी बहुत नीचे थे. बाकी जितने भी अच्छे-अच्छे players हैं like बहुत बढ़िया-बढ़िया players नीचे थे, Flowerc बहुत नीचे थे. But अगर मैं Paraboy की बात करूँ यहाँ पे, so Paraboy आते हैं 59th नंबर पे. इनके पास जस्ट 9 किल्स थे फर्स्ट जो वीक रहता है. बट गाइस उसके बाद ना नोवा का परफॉर्मेंस, क्योंकि जिमी नहीं खेल रहे थे यहां पे, सो ये कुछ सिचुएशन थी. बट ये फाइट आपको मतलब ध्यान में रहेगी जब टीजेबी ने 4M को 2v4 किया था एंड ओनली एस ने 3 किल्स निकाले थे एंड जो दूसरे प्लेयर रहते हैं उन्होंने 1 किल करा था. सो गाइस ये फाइट ना बहुत इंटरेस्टिंग फाइट थी एंड टीजेबी ओनली एस ने इसको बहुत अच्छे से मतलब हैंडल किया था. सुक यहां पे आते हैं, चिनचंग यहां पे आते हैं, शिने नहीं खेल रहे थे, हसाकी थे एंड साथ में 3-3 सवान थे. बट ये फाइट को ना सबसे इनिशियल नॉक जो दिया जाता है, जैसे ही सुक यहां पे नीड करने की ट्राई कर रहे थे, उस प्लेयर को लगता है पता जो टीजेबी के सेकंड मेंबर थे एंड सुक जैसे हाथ में यहां पे गन लेने की ट्राई करते हैं, उस टाइम इनको डाउन करा जाता है. आफ्टर दैट टीजेबी के ओनली एस ने यहां पे चिनचंग को भी स्पॉट कर लेते हैं. चिनचंग जैसे आगे मारने की ट्राई करते हैं, उनको भी डाउन किया जाता है. एंड गाइस यहां पे ना अब सारे किल्स निकालने वाला है ओनली एस. ओनली एस ने हसाकू को स्पॉट करा, लो करा. यहां पे सवान की फाइट इस प्लेयर के साथ होने वाली थी बट ओनली एस ने यहां पे छोड़ते नहीं है, हसाकू को पूरा कंप्लीट यहां पे नॉक करता है. एंड आफ्टर दैट यहां पे रिफ्लेक्स से सवान को भी डाउन करेगा. सो ये प्लेयर गाइस बहुत बढ़िया खेलता है एंड काफी अच्छा खेला था. बट लेट्स टॉक अबाउट सेकंड वीक. नोवा Paraboy टॉप फ्रैगर 29 किल्स. आफ्टर दैट डीकेजी 29 किल्स, डीकेजी के 86. आफ्टर दैट वेजाय रहते हैं, टीसी के प्लेयर रहते हैं, साथ में टीईसी के ईगल रहते हैं 98 के, एसएमजी Flowerc भी अच्छा खेल रहे थे. एंड गाइस बाकी अगर प्लेयर्स देखोगे तो बाकी प्लेयर्स भी यहां पे रहते हैं. बहुत टॉप 20 प्लेयर्स दिखा रहा हूं. बट ये जो गेम प्ले था ना जहां पे नोवा के जिमी आते हैं, पहले मैच में ही नोवा इतना बढ़िया खेलती है एंड नोवा Paraboy का ये गेम प्ले ना, ये वन ऑफ द बेस्ट मैच था गाइस यहां पे वीक 2 का, जब Paraboy ने एक नॉक दिया. आफ्टर दैट यहां पे एलजीडी के चंगसन पे पश करते हैं एंड यहां पे एक और नॉक देते हैं. साथ में उसके बाद सुकी आए थे, सुकी को भी ज्यादा मतलब यहां पे डाउन करने की कोशिश करते हैं बट ज्यादा थोड़ा सा ना इन्होंने क्राउड शूट ज्यादा कर दिया था, क्योंकि गाइस अभी ना ये प्लेयर ऑलवेज ऑन जायरो पे शिफ्ट हुआ. बट उसके बाद ये फाइट को नोवा जीत जाती है. बट गाइस यहां पे Paraboy ना टॉप फ्रैगर बन के रहते हैं. नोवा काफी अच्छा खेलती है इस पर्टिकुलर वीक में. एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं यहां पे थर्ड वीक के, अगर थर्ड वीक की बात करो तो SMG के Flowerc, आपको पता है SMG का कितना अच्छा परफॉर्मेंस था. Flowerc 43 किल्स, बट आफ्टर दैट नोवा Paraboy 42 किल्स विद 2.05 KDs. सो KDs बंदे की बहुत बढ़िया है. एंड नोवा का परफॉर्मेंस लाइक नोवा के ऑर्डर को भी देखो, 33 किल्स थे, RNG 77, H 28 किल्स, सो टाइम के 10 चौन यहां पे 28 किल्स, DKG 86 भी एक काफी अच्छा प्लेयर है, हमेशा ही टॉप रैगल की लिस्ट में रहता है. इनके पास भी काफी अच्छे किल्स थे. बट गाइस उस वीक में ना थर्ड वीक में SMG के Flowerc का आपने ये क्लच तो देखा होगा, जो क्लच इन्होंने किया था टीम वीबो का अगेंस्ट, 3 प्लेयर को डाउन किया था एंड साथ में इनके एक और प्लेयर थे XZ. सो ये मतलब वन ऑफ द फेवरेट मैच रहता है मेरा, तो वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द फेवरेट मैच रहता है ये PEL के पूरे सीजन का. एंड इसके साथ ना गाइस एक और मैच है जहां पे Paraboy ने धूम मचाई थी, Paraboy ने जहां पे 9 किल्स करे थे. बट SMG Flowerc को देखो, SMG Flowerc का अगर आपने ये मतलब गेम प्ले नहीं देखा है तो इस टाइम आप इस गेम प्ले को एंजॉय कर सकते हो. बट गाइस ऑलरेडी मैं इस गेम प्ले को एक्सप्लेन कर चुका किसी और वीडियो में, बट जस्ट मैं इसको डालना चाहता था यहां पे कि जिन बंदों ने नहीं दिखे, जो बंदे जस्ट टॉप फ्रैगर देखना चाहते हैं, वो देखना कि वीबो के भेज आए, वीबो के जनरल एंड सभी प्लेयर्स को ये बंदा डाउन करता है. आफ्टर दैट मिंग इस क्यूआर को मारता है. बट इनके साथ ना गाइस ये मैच भी लेके जाता है. उसके बाद क्या था, उसके बाद ये बंदा यहां पे मतलब थोड़ी देर
सोचता है आफ्टर दैट क्यों इनके टीम को डाउन करता है एंड देन जितने भी प्लेयर्स थे यहाँ पे एजी के दो प्लेयर एडमिट रहते हैं उनको भी यहाँ पे ख़त्म करता है एंड ये पर्टिकुलर मैच को ये प्लेयर यहाँ पे अकेला जीत के जाता है। सो ये क्लिप को तभी मैंने यहाँ पे डाला एंड उसके बाद ना गाइस एक और मैच था जहाँ पे नोवा के पैराबॉय बहुत बड़े खेलते हैं, उस मैच को भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीक में दिखाना चाहूँगा आपको मैं, क्योंकि पैराबॉय के पास ना जस्ट एक कम किल था मतलब यहाँ पे SMG के फ्लार्सी से, बट इन्होंने भी बहुत बढ़िया मैच खेले यहाँ पे। अगर आप देखोगे सो वीवो की लाइनअप्स रहती हैं यहाँ पे, ना कोई और देता है बट पैराबॉय सबसे पहले फिनिश करते हैं एंड आफ्टर दैट गाइज यहाँ पे वीवो के जेट 9 को डाउन करा जाएगा। बट ये प्लेयर का ना मतलब एम इतना अच्छा है ना गाइज कि इसके सामने अगर आप आते हो तो कोई बच ही नहीं पाएगा एंड आपको पता है एज यू गाइज नो कि भाई पैराबॉय यहाँ पे MVP का भी लेके जाता है यहाँ पे एंड MVP का जो टाइटल रहता है हर इसके लिए तो नॉर्मल है, वैसे पैराबॉय के लिए चीज़ नॉर्मल रहती है। बट इस मैच में ना अभी पैराबॉय के पास 5 किल थे, एक नॉक और दे चुके थे एंड सामने वीवो के वेजाय रहते हैं एंड इस पर के मतलब इतने अच्छे शॉट्स कनेक्ट होते हैं ना कि वीवो के वेजाय को बहुत लो ऑन एचपी करा एंड आफ्टर दैट डाउन करा, 7 किल्स ये प्लेयर सिक्योर कर चुका था। एंड उसके बाद क्या था गाइस यहां पे पाई के हिस्से में ये फाइट थी बट स्टिल पैराबॉय यहां पे 2 किल और निकालते हैं। लाइक अगर आप देखोगे तो कितने अच्छे से स्पॉट कर रहे हैं, छोटा सा पिक देके क्राउच कर रहे हैं बार बार एंड प्लेयर को आगे जाने नहीं दे रहे हैं एंड आफ्टर दैट कंफर्मेशन तो एक गॉड है भाई, 5 बुलेट्स कनेक्ट करते हैं एंड खत्म। सो ये चीजें रहती है। इवन ना गाइस ये फाइट इतनी इंटरेस्टिंग हो चुकी थी कि पैराबॉय ने एक और नॉक यहां पे लेने की ट्राई करी थी टीम पाई के ऊपर एंड एक नॉक ये प्लेयर यहां पे लेता भी है जैसे प्लेयर पुश करने की ट्राई कर रहा था, बट ये एक फनी मोमेंट होता है कि पैराबॉय अननॉक होते हैं आफ्टर दैट नोवा के जिमी यहां पे रहते हैं। जिमी का 1v1 था टीम पाई के प्लेयर्स के साथ, जिमी के पास हाइट का एडवांटेज था बट जिमी बुलेट्स कनेक्ट नहीं कर पाते हैं एंड रिएक्शन यहां पे प्राइसलेस रहते हैं यहां पे नोवा की स्क्वाड के। सो गाइस बहुत बढ़िया यहाँ पर एक्शन थे, इसके लिए ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाला था। बट अभी गाइस week 4 के बारे में बात करते हैं। week 4 के साथ यहाँ पे नोवा पैराबॉय number 1 पे रहते हुए 34 किल्स। LGD का डोमिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो चुका था, LGD ने लास्ट के दो जो टूर्नामेंट रहते हैं दो जो वीक रहते हैं वो जीते, LGD सूकी एंड LGD चंग्स यहाँ पे 34 एंड 31 किल्स। आफ्टर दैट TC के प्लेयर रहते हैं, TEC के ईगल रहते हैं, TJB के ओनली SB यहाँ पे आपको गाइस देखने को मिल जाएंगे number 6 पे, क्यों ना इनके YGG एंड RNG के 98K। बट गाइस इसमें ना बहुत सारे मतलब चीज़ें मिसिंग है यहाँ पे, SMG के फ्लार्सी यहाँ पे टॉप फ्रैगर्स में नहीं दिख रहे हैं, वो 12th नंबर पे रहते हैं यहाँ पे एंड आई गेस यहाँ पे DKG के 86 भी देखने को नहीं मिल पा रहे हैं टॉप फ्रैगर्स की लिस्ट में। सो DKG के 86 को अगर मैं ढूंढने की ट्राई करूँ, सो उनके पास जस्ट ओनली 19 किल्स थे एंड गाइज इनकी टीम आपको पता है इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रही थी बट स्टिल यहाँ पे बहुत बड़े खेलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वीक। लास्ट वीक में LGD सुकी 44 किल्स, SDY यहाँ पे 43 किल्स, 1.55 KD थी, Vivo का Gen 9 ये प्लेयर भी बहुत अच्छा खेलता है गाइस, 30 किल लेके जाता है। LGD चंगसी 27 किल्स एंड बाकी RNG के प्लेयर आते हैं, तीन बाकी प्लेयर आते हैं यहाँ पे, ST के प्लेयर्स एंड बॉल जो भी रहता है, बट TKG के 86 ने यहाँ पे भी नहीं दिखेंगे। नोवा पैराबॉय के पास ओनली 18 किल्स थे क्योंकि लास्ट वीक नोवा का इतना अच्छा नहीं जाता है। बट गाइस अगर हम बात करना चाहेंगे DKG के 86 की, सो DKG के 86 के पास ना गाइस बहुत कम किल थे, आई गेस इनके पास 10 किल्स थे एंड वो रहते हैं यहाँ पे 53 प्लेस पे। बट LGD सुकी का ये गेम प्ले मैंने आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका एक वीडियो में, बहुत कम बंदों ने वो वीडियो देखी है, वॉच कर लेना उसको जाके अगर आपने नहीं देखी है। ये बंदा अकेला 10 किल्स लेके जाता है, AGO क्लिच करता है, इसके बाद यहाँ पे SD के वाई को भी डाउन करता है, बहुत बढ़िया बंदा खेला था एंड जो नेड था ना गाइस वो यहाँ पे बहुत अच्छा था। सो गाइस ये कुछ टॉप फ्रैगर्स रहते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो लाइक करना, कॉमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना गाइस, बहुत हेल्प होता है हमारा एंड साथ में इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो जहाँ पे मैं छोटी छोटी क्लिप्स डालता रहता हूँ PEL से रिलेटेड। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट मंथ, पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।